हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार का आपको ताजा दृश्य दिखा रहे हैं। और दोस्तों, यह दृश्य सुबह के 10:30 बजे का है जो मैं आपको वीव दिखा रहा हूं। और यहां पर देख सकते हैं श्राद्ध पक्ष चल रहा है फिलहाल, और जो है श्राद्ध के समय जो है यहाँ पर पिंडदान भी होता है, और यहाँ पर पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं। एक तो देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक मातृ ऋण होता है। तो दोस्तों, पितृ ऋण उतारने के लिए जो है श्राद्ध के समय पिंडदान किया जाता है। और पिंडदान करने से जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी आत्मा भटकती रहती है, वे जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर उनकी आत्मा सीधे वैकुंठ लोक में चली जाती है, और जिससे उन्हें जो है फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में जो है पिंडदान करने के लिए हरिद्वार या गया, आपकी जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर आप करा सकते हैं। वैसे कुरुक्षेत्र में भी किया जाता है पिंडदान। कुरुक्षेत्र में अमावस्या के समय जो सूर्य ग्रहण पड़ता है उसी के समय आप जो है पिंडदान करा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से भी देख सकते हैं गंगा मैया का बहुत ही सुंदर व्यू। यात्रा पर है छत्तीसगढ़ से चल करके हम हरिद्वार पहुँचे। माँ भगवती गंगा के इस पावन दृश्य को आप देख रहे हैं। पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा ये एक यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा के माध्यम से हम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कपाल पिंड के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको हम हरिद्वार की सभी दृश्यों का दर्शन कराएंगे, यात्रियों का दर्शन कराएंगे, और कुछ अनुभव भी आपको सुनाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि मूल धारा गंगा, जो चंडी द्वीप नील गंगा कहते हैं, वहाँ से निकल कर नहर के रूप में ब्रह्मकुंड में आती है। और यही वो ब्रह्मकुंड है जहाँ पर पूरा विश्व स्नान करके माँ भगवती को प्रणाम करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। आगे लेके चलते हैं आपको गंगा तट की ओर। और दोस्तों, यहाँ पर एक संत पुरुष मिल गए थे जो गंगा मैया की जो है महिमा के बारे में बता रहे थे, और कैसे भागीरथी और कैसे गंगा नदी का उद्गम हुआ उसके बारे में बता रहे थे। दोस्तों, आइए यहाँ पर जो है हम थोड़ा और घूम लेते हैं, दिखा देते हैं यहाँ का दृश्य। यहाँ पर सुबह से ही बरसात हो रही है और मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।